अचानक सड़क पर बने अशोक स्तंभ को हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और अशोक स्तंभ का अपमान किए जाने का आरोप लगाया। मैयर में रीवा कटनी मार्ग पर स्थित चौराहे से अशोक स्तंभ को हटाए जाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के साथ भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और चंद्रगुप्त सेना के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रशासनिक लोगों ने बिना जानकारी दिए अचानक अशोक स्तंभ को सड़क से हटवा दिया। नगर पालिका के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन की मदद से इसे हटाया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि सीएमओ ने बिना किसी जानकारी और सहमति के इस अशोक स्तंभ को बड़े ही अपमानजनक तरीके से हटवाया है। प्रदर्शन के बाद एक हफ्ते के अंदर इसे पुनः स्थापित करने का आश्वासन भी प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने दिया है। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसके माध्यम से इनके द्वारा मांग की जा रही है कि यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित था जिसे कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा हटाया गया है, उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई है अपन करवाएंगे, जो नियमानुसार है प्रशासन उसको करेगा। नहीं, हमने नहीं देखा, ये देखा है कि किसी ने हटाया है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष से मैंने चर्चा की, पार्षदों से चर्चा की और रमेश जी भी एक पार्षद हैं, उन्होंने कहा हमारे पीआईसी में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। यदि नगर पालिका परिषद हटाती तो निश्चित है प्रस्ताव पारित करती और प्रस्ताव के बाद ही कोई कार्यवाही होती है। और जिन्होंने हटाया है, जिन जो लोग आए थे जेसीबी लेके आए थे, वो असामाजिक था, जेसीबी को वो करना चाहिए, जब्त करना चाहिए और जिन लोगों के निर्देश पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को 5 तारीख को पता चला कि 3 जनवरी को सुबह 11 बजे यहाँ से अशोक चक्र स्तंभ जो बना हुआ था उसको असामाजिक तत्वों द्वारा निकाल लिया गया। वीडियो के माध्यम से पता चला कि हाइड्रा के माध्यम से जो अशोक चक्र स्तंभ लगा हुआ था उनको निकाला गया। हमारी मांग यह है कि अशोक चक्र को जल्द एक सप्ताह के अंदर वहां पे स्थापित करवा जाए, नहीं तो हम लोग यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।